बल्कि ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल बनाने में भी सराहनीय काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इस विवेकशील, प्रगतिशील एवं संवेदनशील कदम के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प किया है। भारत आत्मनिर्भर तभी हो सकता है जो भारत की हर इकाई स्वावलंबी हो। स्वावलंबन को प्रोत्साहन देने के लिए मैं सभी स्वयं सहायता समूह और उससे जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करती हूँ। भारत सरकार ने लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से प्रभावित होकर लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निश्चय लिया है। मुझे खुशी है कि ये योजना सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। देवियों और स्वजनों, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के हित में अनेक विशेष प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। जनजातीय समाज के अवसर की समानता मिले, इसकी व्यवस्था भी संविधान तथा अन्य अधिनियमों एवं संस्थानों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लोग स्वयं अपनी स्थानीय शासन व्यवस्था चला सके, इसके लिए संविधान की 5वीं अनुसूची में विशेष व्यवस्था की गई है। इस अनुसूची में दी गई व्यवस्था 2 राज्यों में लागू है। इन राज्यों में से राजस्थान भी शामिल है। जनजातीय समुदाय ने स्वशासन के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समाज के अन्य वर्गों के लोग जनजातीय समुदाय से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मानव समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या क्लाइमेट चेंज हो या फिर मूल मूल्यों की पतन की, आज हमें इन सब समस्याओं के समाधान खोजने हैं। तभी हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जिंदगी जी सकें। इस संदर्भ में जनजातीय समुदाय के जीवन मूल अनुकरणीय है। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खुशहाल रहना संभव है। हमें सीखना होगा कि कैसे कम से कम साधनों से बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए जीवन जीना संभव है। जनजातीय समुदाय के लोग स्वभाव से ही समानता और लोकतंत्र के मूल्यों को मानते रहे हैं। महिला सशक्तिकरण मानवता के मूल्यों का ही एक विशेष रूप है। देवियों और स्वजनों, हमारे ट्राइबल समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जो अत्यंत पिछड़ा हुआ है और जिनका क्षमताओं और प्रतिभाओं का समुचित उपयोग नहीं हुआ है। इन विशेष रूप से कमजोर जनजातियों समूह के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है। हमें ये देखना होगा कि हमारे विकास की यात्रा में कोई भी पीछे छूट ना जाए। प्रधानमंत्री इसीलिए सरकार की नाला है, नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आप सब प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज लखपति दीदी बनने में आपको कोई नहीं रोक रहा है। एक दिन था, दीदियां अपनी घर के कोने में घूंघट लगा के बैठे थे। आज दीदियां कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं जहां जा नहीं सके, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, चाहे सब कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, खुद अपने आप काम कर रहे हैं। मैं जब यहाँ आ रही थी, एक दीदी से मैंने मिली। ऐसे तो बहुत सारे वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, तो उन्होंने बोले मैं सीईओ हूँ।
और आईआईटी से ट्रेनिंग लेकर आज ये सब काम कर रही हूँ। मैं सुन के हैरान हो गई, महिला क्या ना नहीं कर सके, हर चीज करने के लिए वो तैयार है। अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आज अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास, इसलिए गर्व से अपने आप को कहना चाहिए हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी और मैं तो बढ़ूंगी, देश को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करूँगी। प्रधानमंत्री वनधन योजना के माध्यम से जनजातियों भाई बहन का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से आजीविका सृजन के माध्यमों की पहचान करके उद्यमिता को बढ़ावा दी जा रहा है। नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम संचालित कर रही है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के आदिवासी सदस्यों को ऋण दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों बहनों को कम दरों पर ऋण देने के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है। देवियों और स्वजनों, बिजली पानी और सड़क का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार है। आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और बढ़ाने पर सरकार द्वारा तेजी से काम किया जा रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन टेक्नोलॉजी का भी लाभ उठा सके, इसके लिए दूर के इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, पूरे समाज को प्रयास करना है कि महिलाएं आर्थिक विकास को गति प्रदान करें तथा वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को कार्य करें। आज देश में आधा आबादी महिलाएं हैं, तो सोचिए 140 करोड़ जनता में से आधा कितना हुआ, 70 करोड़ महिला जो घर पे बैठेंगे तो देश कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए देश को चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए जैसे महिला और पुरुष दोनों का सहयोग जरूरी है, ऐसे ही देश को चलाने के लिए, देश का आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए दोनों का ही सहयोग जरूरी है। इसीलिए आज दोनों का सहयोग से देश आगे बढ़ रहे हैं। भारत देश के तरफ लोग खुशी से, उम्मीदों से आंख उठाकर देख रहे हैं। महिलाओं में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा करने से महिलाएं देश और विश्व की प्रगति में बराबर की साझेदारी बन सकेंगी। आज हमारे बीच उपस्थित जनजातियों बहनें और बेटियां भारत की विकास यात्रा में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आपकी सफलता के बल पर ही समस्त भारत का भविष्य उज्जवल होगा। आप सभी बेटियों और बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। आज केवल बेटियां ही यही पे हैं और बहनें, इसीलिए आज तो एक अच्छा वाला नारा होना चाहिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। केवल जिंदाबाद करने से नहीं होगा, इसको काम करना होगा, हमको आगे बढ़ना है और देश को सशक्त बनाना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आपने सुना बेणेश्वर धाम में। यहाँ पर अपनी बातों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि योजनाएं जो खास तौर पर लखपति दीदी की हैं वो महिलाओं को उत्थान पहुंचा रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के जीवन में उस
इन योजनाओं से सुधार आ रहा है। और इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद हैं। तो दो दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में आई हुई हैं और कल जयपुर शाम को पहुंची थी और आज यहां उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर आई और उसके बाद यहां बेणेश्वर धाम में कार्यक्रम में शिरकत की और अपनी बातों को सामने रखा।